नमस्कार दोस्तों, आज हम अशुद्धि संशोधनम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें जो विशेषण और विशेषक है उसके बारे में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और जिसके नीचे अंडरलाइन होता है आपको उसे ही करेक्ट करना होता है, बाकी दूसरे किसी को नहीं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, चतुरह बालाः वदन्ति, तो चतुरह के नीचे अंडरलाइन है मतलब वो गलत है, तो उसे सही करना है। तो सही कैसे करना है, तो सबसे पहले एक नियम, विशेषण और विशेष्य का एक जैसा लिंग, एक जैसा वचन और एक जैसी विभक्ति होती है। तो बालाः बहुवचन है इसलिए चतुरह भी बहुवचन आना चाहिए। तो चतुराः बालाः वदन्ति मतलब चतुर बालक बोलते। चतुर मतलब, या चतुर मतलब ये संख्या नहीं है, नंबर नहीं है, चतुर मतलब स्मार्ट, मतलब अच्छे बच्चे बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद एकः कन्या एव एवं वदति। देखो, कन्या स्त्रीलिंग है और एक कह पुल्लिंग आया, इसलिए एक गलत है। अभी ये विशेषण है। ओके, संख्या विशेषण का काम करती है। तो एक का स्त्रीलिंग क्या होगा, एका। देखिए यहाँ एका कन्या एव एवं वदति, इसलिए इसी तरह से आपको करना है, मतलब एक बालिका ही इस तरह से बोलती है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। मतलब विशेषण और विशेष्य का एक जैसा लिंग, एक जैसी विभक्ति, एक जैसा वचन होना चाहिए। उसके बाद देखिए, नीलः गगनम शोभते, मतलब नीला गगन शोभित होता है। तो गगनम जो विशेष्य है वो क्या है, नपुंसक है, और नीलः मतलब विशेषण जो है वो पुल्लिंग दिया है, तो गलत है, इसलिए होगा नीलम गगनम। देखो, नीलम गगनम शोभते, नीला गगन शोभित होता है। उसके बाद देखिए, कुशला बालाः एव प्रश्नम पृच्छन्ति, मतलब कुशल जो बालक होते, कुशल मतलब एक्सपर्ट जो बालक होते वही प्रश्न पूछते हैं। तो कुशलाः, यहाँ कुशला है, विसर्ग नहीं है, कुशलाः बालाः इस तरह से। उसके बाद देखो, मधुरम फलानी खाद, देखो मधुरम, अभी फलानी के नीचे अंडरलाइन है मतलब विशेष्य के नीचे अंडरलाइन है। मधुरम जो विशेषण है वो एक वचन में है, इसलिए यहाँ भी फलम ऐसे बन जाएगा, मधुरम फल मतलब मीठा फल खाओ, मधुरम फलम खाद इस तरह से होता है। तो इसी तरह से हमें करना होता है हमेशा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो, मधुरम फलम खाद इस तरह से। ओके, उसके बाद देखो, कुशलः बाला एव सह, देखो अभी ये सब पुल्लिंग है, कुशलः सह ये पुल्लिंग है, और बाला अभी ये यहाँ स्त्रीलिंग दिया है इसलिए वो बन जाएगा बालः, पुल्लिंग बन जाएगा, कुशलः बालः एव सः इस तरह से। उसके बाद देखिए, सुंदरानी चित्रम सह रचयति, वह बनाता है, क्या बनाता है, सुंदर चित्र मतलब एक सुंदर चित्र, मतलब चित्र पिक्चर वो बनाता है। तो सुंदरानी विशेषण जो है वो है बहुवचन, और चित्रम इन्होंने एक वचन दिया है, तो उसका बन जाएगा सुंदरानी चित्रानी इस तरह से। तत् फलानी, देखो अभी तत् के नीचे अंडरलाइन है, फलानी बहुवचन है, तो इसलिए तत् भी बहुवचन बन जाएगा। तानी फलानी मधुरानी संति, वे सब फल मीठे है, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। उसके बाद देखिए, ते बालिकाः बुद्धिमत्यः संति, अभी देखो बहुवचन है, बालिकाः बुद्धिमत्यः संति, और ते क्या है, द्विवचन है। अभी ये सा ते ताः, तो ते द्विवचन है, सा और ते, ते द्विवचन हुआ, तो उसका बहुवचन क्या है, ताः इस तरह से बहुवचन हुआ, तो ताः बालिकाः बुद्धिमत्यः संति। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे जो है लिंग संबंधी अशुद्ध है वो हम बाद में उसका वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।